जय जिनेन्द्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। देखते हैं आज के समाचार। कृषि कानून से लेकर कोरोना महामारी तक पीएम मोदी के भाषण की कुछ अहम बातें आइए हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है। अच्छा होता कि विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव इतना है कि विपक्ष बिना कुछ सुने भी इतना कुछ उनके भाषण पर बोल पाया है। पीएम मोदी ने कहा पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसी चुनौतियों के बीच देश अब आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त में दुनिया की नज़र भारत पर है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कोरोना संकट के दौरान दुनिया भारत को लेकर काफ़ी चिंतित थी। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अज्ञात दुश्मन से जंग लड़ी, लेकिन आज दुनिया इस बात पर गर्व कर रही है कि भारत ने ये लड़ाई जीती है। जब कोरोना के खिलाफ कोई दवाई नहीं थी तब भारत ने 150 देशों को दवाई पहुंचाई। अब जब वैक्सीन आ गई है तब भी दुनिया को भारत ही वैक्सीन दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सदन में सिर्फ किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है, छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा तक नहीं। कहा कि सरकार ने 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले, सरकार गरीबों पर समर्पित है। सदन में बोलते हुए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कथन पढ़ा, हमारी सोच है कि बड़े मार्केट को लाने में जो अड़चने हैं, हमारी कोशिश है कि किसान को उपज बेचने की इजाज़त हो। पीएम मोदी ने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए, आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे, ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है। आज देश गर्व कर सकता है, आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर है। भारत में आज हर महीने 4,00,000 करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटली हो रहा है, यूपीए के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। आज युद्ध क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। नए नए जो लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। मुद्रा योजना से 70% जो लोन ली गई हैं वो हमारी बहनों के द्वारा ली गई हैं, यानी एक प्रकार से ये एडिशन। करीब 7 करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60,00,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं। राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर दिए देने का प्रयास हुआ है। और मुझे खुशी है कि एक लंबा अरसे समय गया एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा में, लेकिन उसकी स्वीकृति जिस प्रकार से देश में हुई है
एक नया विश्वास पैदा किया है और मुझे विश्वास है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का विचार आगमन। हमारा एमएसएमई सेक्टर, रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर एमएसएमई सेक्टर को मिल रहे हैं, और जब कोरोना काल में जो स्टिमुलस की बात हुई उसमें भी एमएसएमई पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे एमएसएमई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। गांव और शहर की खाई को अगर हमें पाटना है तो उसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आत्मकुल, कमल दिवाकर, भोले बाबा, पूज्य गुरुदेव, श्री रतन मुनि जी महाराज साहेब, ग्रामोद्धारक, व्याख्यान वाचस्पति पूज्य गुरुदेव, श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहेब, प्रवर्तक आचार्य पूज्य गुरुणी मैया, श्री मनोहर लाल जी महाराज साहेब, विदुषी महासाध्वी पूज्य गुरुणी मैया, श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहेब की अंतेवासी सुशिष्या, प्रवचन प्रभाविका, तपोमूर्ति, संधारा साधिका, आगम ज्ञाता पूज्य गुरुणी मैया, श्री अलका जी महाराज साहेब, सिद्धांताचार्य की अंतेवासी सुशिष्या, मधुर वक्ता मौन साधिका, वर्षितप आराधिका, प्रवचन प्रभाविका रत्न ज्योति पूज्य गुरुणी मैया, श्री मनीषा जी महाराज, सिद्धांताचार्य ठाणे दो का वर्ष 2021 का चातुर्मास जीरा श्री संघ को प्राप्त हुआ है। संघ में खुशी की लहर है। वीरराग भगवान शर्मा महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन। आत्मकुल, कमल दिवाकर, भोले बाबा, पूज्य गुरुदेव, श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, ग्रामोद्धारक, विख्यान वाचस्पति पूज्य गुरुदेव, श्री क्रांति मुनि जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटिश नमन वंदन। आगामी चतुर्मास सन 2021 का बेनती लेकर चतुर्मास किया थे, सो हमने उनको चतुर्मास गुरुदेव की कृपा से आज्ञा प्रदान कर दी है, तो वो श्री संघ का भी मैं यहाँ पर जो पधारा हुआ है वो हमारे मनोज भैया, संजू भैया, संतोष जी और भूषण जी और साहिल जी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दिनों में अमृतसर के केडी अस्पताल के सह प्रशासक व चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर जयंत चावला और उनकी टीम ने इस खतरे के बावजूद अपनी सेवाएं जारी रखी और 200 के करीब मरीजों के ब्रेन सर्जरी की। इस अवसर पर डॉक्टर जयंत चावला ने कहा कि 200 में से ऐसे कई मरीज थे जो गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए थे। उस समय यदि उनका कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट का इंतजार करते तो उनकी जान जोखिम में पड़ सकती थी। टेस्ट रिपोर्ट आने में 12 घंटे लग जाते हैं। उन्होंने बिना कोरोना टेस्ट करवाए इनकी सर्जरी की। इन्हें रिकवरी रूम में रखकर कोरोना का सैंपल लिया गया। 200 में से 15 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वह और एनेस्थीसिया डॉक्टर रमन चतुर्थ कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना को मात देने के बाद वह दोबारा मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर वे मरीज भी उपस्थित थे जिनकी सर्जरी डॉक्टर जयंत ने की थी। डॉक्टर जयंत ने कहा कि यह बहुत बड़ा चैलेंज था। वह टीम के लीडर थे पर स्टाफ के सहयोग से उन्हें आत्मबल मिला। सर्जरी के दौरान कई बार ऐसा लगा कि मरीज के कॉन्टैक्ट में पूरी तरह आ गए हैं। हालांकि उन्होंने गाउन, डबल मास्क से लेकर सुरक्षा के सभी प्रबंध किए थे पर संक्रमण का खतरा भी बरकरार था। न्यूरोसर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पल की देरी भी प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। कोरोना काल में वह हर पल सर्जरी के लिए तैयार रहे। मैं डॉक्टर जयंत चावला, केडी अस्पताल से मैं काम करता हूं ते अपनी उपली अपने घर च करता हूं। असी सारे न्यूरोसर्जरी वाले पेशेंट डील करते हैं जिन्हां दे अंदर दिमाग ते रीढ़ दी हड्डी दे ऑपरेशन दी लोड़ हुंदी है। ये ऑपरेशन बड़े ही जटिल होंदे है, बड़े औखे होंदे है ते इहदे अंदर कोरोना दे अंदर एक्सपोजर होण दा डर बहुत ज़्यादा रहिंदा है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪਲੈਸ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਖੰਘ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਗਾਂਵ ਵਾਸੀਓਂ ਨੇ ਕੀਆ ਭਾਜਪਾ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਗਾਂਵ ਮੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਕਾ ਵੋਟ ਮੰਗਨੇ ਆਇਆ ਤੋ ਖੁਦ ਹੋਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਾਂਵ ਬੋਲੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਮੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਗਾਂਵ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਕਾ ਆਗੂ ਯਾ ਵਰਕਰ ਹਮਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋਟ ਮੰਗਨੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਭੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿੰਦਰਜੀਤ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ BJP ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੂਹ ਨਹੀਂ ਛੜਕ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੁਬਈ ਸੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਥਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ SP ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾ ਕਈ ਮਾਮਲੋ ਸਮੇਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਪਰਕ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ NIA ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੇ ਪਿੱਕੀ ਪਿੰਡ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ NIA ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਕੋ ਜਾਂਚ ਕੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾ ਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਮੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮੁਕਦਮੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ NDP ਸੈਕਟ 'ਤੇ 3-4 ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ
तो बड़े वे इन्होंने करके तो ये बाहर चल गया सगा जितों की दिल्ली की पुलिस ने इन दुबई तो अरैसट किया जिन्हों को अगे असी इन हूँ अगे प्रोडक्शन बैंड से लैके तो इतने आए हैं। तो ये पहला 2012 के इन्हें पुराने छाले एक मर्डर किया होर बंद रल के वो अरैसट पै गई थी फिर ये एनडी पी सैक्टर के एक दो परचे दर्ज होए वो भी अरैसट रहा उस 16 के जो नाभा जेल ब्रेक हुई है उस तो पहला ये बार सगा नाभा जेल ब्रेक तो बाद घोड़ा हो गया उस तो बाद इन्हें सूबेदार कांड एक अपने इतने 2017 परचा दर्ज होया 3 बंदे मरे थे औदला पिंड के लागे वो किया फिर एक अपने 17 च लास्ट इन्हें सबू मुंडा वो गोली मरवाई बंद तो बाईपास से इतने तिबड़ी बाईपास वाले पासे उस तो बाद अपने शहर सोनू बाजवा वो भी पैर च गोली मरवाई सुन योजना वारदातों करके फिर 2019 के धारीवाल केस तुम्हें तो पता ही है जिस हनी महाजन की गोली लग गई थे एक साड़ा शो बंदा एक्सपायर कर गया सी वो केस वो तो फिर हम तो अगे चल जो ये जे अगे करेंदे सके भा तो बुरा वो भी दीनानगर के एरिए छोटी छोटिया वारदातों कित गोली चलाती कित ठेके तो लैके खो गए मोटरसाइकिल खो लिया वो वारदातों उतो करवाइया उन्हों की हैल्प लैके इन्हें उन्होंने ऑपरेट कराया लुधियाने तो बलविंदर सिंह कामरेड का 16/10 भिखीवंड विखे जोड़ा सी वो मर्डर करवाया जो सारा वो पिछले शरीर जी प्लैनिंग जी सी तो इन वारदातों इन्हें बड़ी प्लैनिंग बारों की इन्हों रिमांड से दिल्ली पुलिस तो लिया फिर साढ़े को 3-4 दिन तो रिमांड से है तो होर रिमांड लैन वास्ते अभी अज इन्होंने पेश कर रहे हैं। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की 666वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा गद्दी श्री बाबा लाल जी कर्मो ड्योडी में परम पूजनीय पीठाधीश्वर श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इस संबंध में महंत अनंत दास जी महाराज जी ने बताया कि सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की विशाल शोभा यात्रा 10 फरवरी प्रातः 11 बजे गद्दी परिसर से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज के जीवन की झांकियां, देवी देवताओं के सुंदर मनमोहक रथ, महाराज श्री को सुंदर रथ, संत जन, धार्मिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों के अलावा भजन गायन, बैंड बाजे, प्रभु भक्ति का गुणगान करते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। शोभा यात्रा गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी से आरंभ होकर कटरा जयमल सिंह चौक, फरीद रिजेंट सिनेमा, सिकंदरी गेट और शहर से होती हुई वापस कटरा जयमल सिंह से मंदिर परिसर गद्दी श्री बाबा दयाल जी में संपन्न होगी। मंदिर परिसर में 13 फरवरी को जयंती मनाई जाएगी जिसमें प्रातः सदगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज का पंचामृत स्नान के बाद आरती होगी एवं 56 भोग प्रसाद लगाया जाएगा एवं गुरु महाराज श्री अनंत दास महाराज आई संगतों को आशीर्वाद देंगे। दोपहर 12 बजे अटूट लंगर आरंभ होगा और रात्रि को आरती अरदास के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से 9 मार्च को निकलने वाली विशाल रथ यात्रा की तैयारियां संबंधी बैठक बाजवा रोड स्थित नीलकंठ महादेव शिव मंदिर में योगी भास्कर नाथ, महंत सुरेश, मास्टर मोहनलाल व स्वामी शिवानंद के मार्गदर्शन में बब्बल सूरी, विक्की चड्डा और नागेश वर्मा के नेतृत्व में रथ यात्रा महोत्सव कमेटी के मेंबर्स विशेष तौर पर बैठक में शामिल हुए। महिला संकीर्तन मंडल ने भोले बाबा की स्तुति की। कमेटी के अध्यक्ष नीरज वर्मा, महामंत्री अजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लवली थापर ने कहा कि अधिक से अधिक उपस्थित होकर रथ यात्रा में शामिल हो और भोलेनाथ का रथ खींचकर पुण्य प्राप्त करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी वालों हर साल दे वांग इस साल भी भगवान भोलेनाथ के पवित्र दिहाड़े महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य विशाल रथ यात्रा 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को बहुत ही धूमधाम के नाल हर्ष उल्लास के नाल कढ़ी जा रही है। यह यात्रा जिहड़ी सिविल हस्पताल बुढ़ा ग्राउंड तो शुरू होकर वख-वख बाजारों से होंदी हुई चौंक घंटाघर चौड़ा बाजार डिवीजन नंबर 3 तो संगला वाला शिवाला प्राचीन मंदिर जाके महाआरती के नाल संपन्न होएगी। इस रथ यात्रा के विशाल चांदी का जिहड़ा रथ है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप पूरा शिव परिवार विराजमान होकर खुश खुद जिहड़ा इस रथ यात्रा के आप चल के भगतों को आशीर्वाद देंगे। सारे लुधियाना निवासियों को मेरे वालों बेनती है, निमंत्रण है कि तुम सब 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को
सह परिवार पहुँच के इस यात्रा की होर शोभा वधाओ। जय भोलेनाथ। भगवान की। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी के वलों विशाल रथ यात्रा महाशिवरात्रि के उपलक्ष पुड्डा ग्राउंड नज़दीक सिविल हस्पताल तो शुरू होएगी। फील्डगंज शाहपुर रोड सुहानी बिल्डिंग लक्कड़ विहार रेखी सिनेमा चौंक तो होंगी हुई चौंक घंटाघर घंटाघर तो चौड़ा विहार डिवीजन नंबर 3 तो होंगी हुई प्राचीन संगला वाला शिवाला मंदिर पहुँच के महाआरती महंत नारायणपुरी जी महंत दिनेशपुरी जी गुरुदेव आनंद अत्री जी और संत समाज उत्थे आके महाआरती करेगा। विशाल रथ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ का चांदी का दरबार रथ और भगवान बालाजी का रथ विशेष आकर्षण होएगा। घंटाघर चौंक च 56 भोग आकाश मार्ग राही भगवान भोलेनाथ नूं अर्पित होणगे। डिवीजन नंबर 3 चौंक च 56 भोग आकाश मार्ग राही उत्थे अर्पण होणगे। अलग अलग स्टेजां तो फिल्म प्लेबैक सिंगर सारे 3-4 जगह पर अमरिंदर बोबी सरदार अली कुमार संजीव होर सारे कलाकार भगवान भोलेनाथ का गुणगान करेंगे। और सुहानी बिल्डिंग चौंक च विशेष आकर्षण महाआरती मनीष जी और उन्होंने साथी करेंगे। और अज की उसकी तैयारियों संबंधी मीटिंग श्री नीलकंठ शिवाला बाजवा नगर के अंदर हुई जिसकी अध्यक्षता योगेश पुरी जी डीके अरोड़ा जी टंडन जी दर्शन जी सारे ने अज की यह मीटिंग का आयोजन करवाया और भारी गिनती च शिव भगतों ने इस मीटिंग दे विच भाग लिया। और मैनू लगता है भी इस साल की जिहड़ी यात्रा जिस तरह पिछली बार यात्रा आरंभ हुई और उस तो बाद करोना महामारी ने साडे देश नूं घेर लिया और मैनू इस तरह लगता भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा होने वाली है। और पूरे पंजाब की पूरे हिंदुस्तान च भगवान भोलेनाथ की यात्रा तो बाद जिहड़ी प्रकोपी आई सी खत्म होएगी। आओ सारे रल के भगवान भोलेनाथ नूं अरदास करिए। इस चैनल राही तुहानूं मैं बेनती करांगा भी इस यात्रा च शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से 10 मार्च को निकलने वाली विशाल रथ यात्रा की तैयारियां संबंधी लुधियाना के मंजू सिनेमा के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की रथ यात्रा निकालने के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग की गई। मीटिंग का आयोजन प्रधान प्रवीण बहल और शिव मंदिर के प्रधान बलदेव सिंह ने की। उन्होंने आए हुए सभी भक्तों से कहा कि कोविड-19 के तहत नियमों को देखते हुए सभी भक्तजन मास्क पहनकर अधिक से अधिक उपस्थित होकर रथ यात्रा में शामिल हो और भोलेनाथ का रथ खींचकर पुण्य प्राप्त करें। यह रथ यात्रा 10 मार्च को सुबह 10 बजे मंजू सिनेमा के शिव मंदिर से आरंभ होकर शहर के बीचों बीच से होते हुए वापस शिव मंदिर लौटेगी। चेयरमैन वासुदेव कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शिवरात्रि महोत्सव कमेटी का चेयरमैन जो कि 16 साल तो शोभा यात्रा असं कढ़ते आए हैं इस मंदिर तो शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट तो यह शोभा यात्रा असं कढ़ते हैं प्रारंभ करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। इतों शुरुआत करके विधि के नाल विधि पर साडे विद्वान पंडित इहदी पूजा कराते हैं, रथ की पूजा कराते हैं, सुशोभित करते हैं, प्रतिमा सुशोभित करते हैं। लेकिन उस रस की भी पूजा होंदी है, रस की पूजा करके उसकी तैयारी कर लैने प्रारंभ करते हैं। साडे वीर रथ नूं खिंचदे ने बगैर जोड़ियां तों बगैर किसी गल तों नंगे पैरी सारे मार्ग ते लैके जांदे हन। अगे साडे जिहड़े बच्चे ने साडे नौजवान साथी ने ये सारा देख रेख करते हुए सफाई का कम कि भगवान की शोभा आ रही है, भगवान की सवारी आ रही है, ताकि रस्ते विच कोई कणका ना होवे, कोई किसी तरह का कोई ऐसा प्रदूषण ना होवे जिहड़ा कि जिथों की भगवान ने लंघना है। इस करके सारिया गल्लां दा ध्यान दिता जांदा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के वर्तमान शासन काल में पिछले कई वर्षों से किराए की भूमि पर दिव्यांग असहाय मूक बधिर बच्चों की सेवारत संस्था एक ज्योत विकलांग बच्चों का स्कूल कार्य कर रही थी।
बरड कुलदेव श्री बाबा गज्जा जी की असीम कृपा से श्री बाबा गज्जा जैन यंग सोसाइटी लुधियाना के द्वारा शुरू किए गए एक लघु प्रयास से व श्री आत्मवल्लभ समूह इंद्रदिन सूरी जी महाराज की पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति मानवता के मसीहा जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज की प्रेरणा से लुधियाना के ही एक जैन धर्मनिष्ठ दानवीर परिवार ने मानवता की सेवा कर रही इस संस्था को इस भूभाग को स्वद्रव्य से संस्था के ही नाम लेकर नवनिर्माण तक का संपूर्ण कार्य निस्वार्थ भाव से करवाया है। सौभाग्यवश एक ज्योत विकलांग स्कूल के इस नए परिसर का उद्घाटन वर्तमान गच्छाधिपति श्री भास्कर श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब की निश्रा में आज किया गया। पुत्र रत्न श्रीमान सुशील जी, मनोज जी और हमारे मनीष भैया और साथ में हमारी बहने बहन वंदना, बहन ऋतु और तनु, हमारे पूरे परिवार ने इतना ये जो कार्य किया, पुण्य कार्य किया है, यह एक दुर्लभ अवसर है और मैं इसको अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि लुधियाना प्रवेश से पहले इस पुण्य प्रसंग में हमें भी शरीक होने का, हमें भी हाजिर होने का सौभाग्य मिला। आतंक जैन सेवा सोसाइटी शिवपुरी SS जैन सभा लुधियाना में आज 187वां राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर मुलख राज जी जैन उपस्थित रहे। आज आत्म जैन सोसाइटी का 187वां राशन वितरण समागम है। यह संस्था पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद परिवारों के लिए हर प्रकार की सहायता, जिसमें राशन, जिसमें एजुकेशन और जिसमें मेडिसिन आदि की सहायता है, पूरे तन मन धन से कर रही है। मैं इस अवसर पर आत्म जैन सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। इनके प्रधान श्री कमल जैन, महामंत्री सतीश जैन बब्बी, उप प्रधान अशोक जैन बाबू, कोषाध्यक्ष नरेश जैन, ये सभी कार्य कर रहे हैं जो कि साधुवाद के पात्र हैं। इस मास की सेवा की राशन का लाभ श्री अनिल कुमार जैन, मैसर्स जैन रबर फैक्ट्री वालों की ओर से है और इन्होंने अपनी पूज्य माता श्रीमती विजयवंती जैन की पावन स्मृति में ये राशन की सेवा ली है। मैं आत्म जैन सोसाइटी की ओर से इस परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हम सब का सामाजिक कर्तव्य है। यह संस्था अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कार्य कर रही है समाज का बहुत उत्तम कार्य है और ये कार्य धर्म का प्रमुख अंग है। यदि हम अपने व्यक्तिगत काम के लिए रात दिन सेवा और मेहनत करते हैं, यदि समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो ये उससे भी बड़ा पुण्य है। मैं पुनः इस संस्था को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस राशन में श्री सुभाष जैन मैसर CD ओसवाल वालों की ओर से एक रसों के पैकेट भी वितरित किए गए हैं। मैं उनका भी सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः सभी उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता देते हैं, चाहे वो आर्थिक भी हो चाहे वो मन से भी हो, वो साधुवाद के पात्र हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।